यहाँ पे बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के साथ। क्या लिखा है? द वैल्यूज ऑफ के सो दैट द इक्वेशन मे हैव वन रूट कॉमन। क्या लिखा है? वन रूट कॉमन। तो सबसे पहले हमारे पास कंडीशन ऑफ कॉमन रूट पता है, उसको मैंने बच्चों कॉपी करके पहले से ही नीचे लगा दिया है। ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू वो आपको यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहे हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और धीरे धीरे वैल्यूज पुट करिए। देखिए सी वन जो है वो -5 है और ए टू जो है वो 1 है और सी टू जो है वो बच्चों -4 है और ए वन जो है बच्चों वो 2 है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। बी वन कितना है? के है, ठीक है, बी वन बच्चों के है। सी टू कितना है? -4 है। माइनस बी टू कितना है? -3 है, ठीक है, और सी वन कितना है? -5 है। तो बच्चों कंफ्यूजन हो मैथमेटिक्स में तो आप ब्रैकेट्स का यूज करिए। ए वन कितना है? 2। बी टू कितना है? -3। माइनस ए टू कितना है? 1। बी वन कितना है? के। तो बच्चों कितना हो गया? -5। माइनस माइनस कितना हुआ? प्लस। नहीं, और क्या, माइनस माइनस प्लस ही तो होता है। तो कितना हुआ? प्लस का 8 का होल स्क्वायर। अच्छा माइनस का 8 बना ना, बाहर माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो गया इज इक्वल टू। ये हो गया -4k और ये हो गया -15। ये हो गया बच्चों -6 -k। अब देखो इक्वेशन सही नजर आ रही होगी। 8 -5 3 और 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। इसको बच्चों एक काम करो, दोनों ब्रैकेट से माइनस माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, और सारे टर्म्स अब लिख डालो। मतलब कम समझ में आ रहा तो मैं एक बार लिख देता हूँ क्योंकि तो इनको मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा। करो बच्चों मल्टीप्लाई। 4 6 24 k, ठीक है, प्लस 4k² 15 6 19 प्लस 15 k। बच्चों सारे लाइक टर्म्स कनेक्ट कर लो, ये हो गया 4k² 15 और 39 के। और बच्चों ये बताना 90 और -9, क्योंकि बच्चों -81 इज इक्वल टू 0। और बच्चों इसे आपको फैक्टराइज करना है। जब आप फैक्टराइज कर पाओगे या धराचार फॉर्मूला लगा करके जैसे करके इसकी के की वैल्यूज बच्चों आपको निकालनी पड़ेगी। तो बच्चों इसके जो फैक्टर है ना वो बेसिकली है 12 और 27। ये इसके बच्चों फैक्टर है। 4k कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया k+3 और यहाँ पे 27 कॉमन ले लिया तो अंदर आ गया k+3 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से k की दो वैल्यूज निकल के आई है, तो एक -3 आई है और एक आई है -27/4। ये दो वैल्यूज निकल करके आई है। तो इस क्वेश्चन पे एक बार बच्चों आप आंसर मैच कर लीजिएगा। आंसर इसका बी पार्ट आ रहा, ठीक है।